इन दो तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, तो दूसरी तस्वीर में कंगना अपने सपने के उसी मलबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची। गुस्सा न सिर्फ कंगना के मन में है, बल्कि देश के उन तमाम शहरों में भी है जहां कंगना के समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कंगना के शहर मंडी का रुख करते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कंगना के समर्थन में उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और खुलकर कहा कि शिवसेना की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। पटना में हिंदू एकता मंच और बीजेपी युवा मोर्चा ने मिलकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। कंगना रनौत वो अपने घर शिमला में थी, शिमला से 9 तारीख के आने का उसने ऐलान किया। उससे पहले ही हाई कोर्ट के आदेश था कि 30 दिसंबर तक तोड़फोड़ नहीं होगा। कोरोना काल में उसने गुंडागर्दी किया, महाराष्ट्र सरकार ने गुंडागर्दी किया। आगरा में तो कड़ी सेना है कंगना के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का पुतला फूंका, कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त आक्रोश दिखा। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूंका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी, आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना के समर्थन में उन शहरों की फहरिस्त काफी लंबी है जहाँ उनके पक्ष में लोगों ने आवाज बुलंद की, चाहे वो हिमाचल का शिमला हो, सोलन हो या फिर ऊना। कहीं बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा खोला तो कहीं बजरंग दल समर्थन में सामने आई। कई शहरों में करनी सेना का गुस्सा शिवसेना पर फूटा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना ने महाराष्ट्र के उद्धव सरकार से पंगा लेने का जोखिम तो उठा लिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई समेत अलग अलग शहरों में उनके लिए समर्थन मिल रहा है, फिलहाल कंगना का इन तस्वीरों से हौसला जरूर बढ़ रहा होगा। आज तक ब्यूरो।